तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिस्टर्स किचन में। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चने की दाल की खिचड़ी, जिसका आप पुलाव बोलते हैं। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं। ये लाल मिर्च है, दो हरी मिर्च ली है मैंने, इलायची ली है, ये बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी, थोड़ा जीरा और ये स्टार एनिस और लौंग। अब इनको हम इसमें डाल देते हैं, डाल कर इसको सौटे करते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब उसके बाद इसमें हम डालते हैं थोड़े से लहसुन डालते हैं। लहसुन से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब ये दाल है जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, अब इस दाल को हम इसमें डाल देंगे। मैं इसमें हल्दी नहीं डाल रही हूँ, आप डालना चाहें तो आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। मैंने थोड़ी सी इसमें हींग डाल दी है, तो मिक्स किया है। अब हम इसमें डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसमें हम डाल रहे हैं नमक, तो नमक उतना ही डालेंगे जितना हमारा कि चावल होगा। अब इसमें हम डाल सकते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च। हल्दी मैं नहीं यूज़ करूँगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको फिर अच्छे से भूनेंगे और इसको 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। फिर हम डालेंगे पानी। मैंने इसे पानी डाल दिया है। अब पानी डालने के बाद इसमें हम लगाएंगे 1 सीटी। थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा पानी मैंने और डाला। अब इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। अब इसमें 2 सीटी लगाने के बाद, फिर इसमें 2 या 3 सीटी के बाद, और गैस को मैंने धीमा कर दिया है, ये धीमे धीमे गैस पर 3 सीटी बजेगी, उसके बाद फिर इसमें हम चावल डालेंगे। देखिए सीटी बाद पहली सीटी आ चुकी है, 2 सीटी और मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको बंद कर दूंगी 2 मिनट के लिए। तो कुकर की सीटी आ चुकी है, इसको मैंने बंद कर दिया था। अब हम इसको खोल के और इसमें चावल ऐड करेंगे। तो ये देखिए चावल को मैंने भून लिया है, इसको भूनने के बाद 2 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो दिया था। तो मैं इसमें नॉर्मल चावल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो आप बासमती चावल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे केसर राइस हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। हमारी दाल इस तरीके की पक गई है, आप देखिए, ये देखिए दाल हमारी पक चुकी है। अब इसमें हम चावल डालेंगे, तो मैं चावल को इसमें डाल देती हूँ। मैंने चावल डाला इसमें और थोड़ा सा पानी डाल दे रहे हैं, जिससे कि हमारे चावल बहुत अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा पानी और डालते हैं, थोड़ा सा पानी और डाल दे रहे हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने के बाद अपनी गैस ऑन करते हैं, ढक्कन बंद कर दिया है और इसमें 2 सीटी आने का वेट करते हैं। तब तक हम तैयार करते हैं अपना रायता। ये दही है, इसको मैंने थोड़ा सा मतलब फेंट के मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे जितना आप खाते हैं। अब इसमें हम लगाएंगे जीरे वाला तड़का। रायते के लिए तड़का बनाने जा रहे हैं। हमने पैन गरम कर लिया है, पैन गरम हो रहा है। मैंने इसमें तेल डाल दिया है, शुद्ध सरसों का, ये घर का तेल है, मैं खाने में वही यूज़ करती हूँ। अब इसमें हम डालेंगे जीरा और राई, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, 2 लाल मिर्च डालेंगे, गैस को बंद करके
इसमें डाल देंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। अब इसको हम इसमें डालेंगे। तो ये हमारा रायता तैयार हो गया अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये बन गई है, अब हम इसको सर्व करते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए हमारी खिचड़ी बन गई है, देखिए कैसी खिली खिली बनी है। तो आप भी इसको बनाइए और आप बताइए कि मेरी खिचड़ी आपको कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।